हाय दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। आज इसके वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कीवर्ड जो होता है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उस पर आप जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो वो कैसे, पहले तो आप टारगेट करते हो कि कौन से कीवर्ड होने चाहिए, कौन से कीवर्ड हाई रैंकिंग है, उनको फिर आपने अपने वीडियो या आर्टिकल के लिए आपने चूज़ करना होता है। तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नेम है केडी निश फाइंडर। इस टूल को इस्तेमाल करते हुए मैं बताऊंगा कि इस पे आप कीवर्ड को कैसे सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड फाइंड कैसे कर सकते हैं। वैसे तो एडवर्ड का गूगल वालों का गूगल जो प्लानर है उसका नाम है, टूल प्लानर है, कीवर्ड प्लानर है उसका नाम, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो टॉप पे है, चल रहा है। उसके अलावा और बहुत से टूल्स हैं तो जिस पे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, कौन से यूज़ अपने प्लान के मुताबिक, आर्टिकल के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। तो आज मैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है केडी निश फाइंडर, इस पर भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, इसको मैं ओपन करता हूँ केडी निश फाइंडर को, तो ये आपके सामने है। तो कीवर्ड्स का इसकी ऑप्शन ये है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीवर्ड फाइंडर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ले आएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं कीवर्ड अपने हिसाब से सर्च करूँगा। मिसाल के तौर पर आप फैशन पर काम करना चाह रहे हो तो फैशन कीवर्ड, फैशन वर्ड मैं यूज़ करता हूँ और फैशन मैंने टाइप किया, तो मैं यहाँ पे गो करूँगा तो अभी ये फैशन के हवाले से कीवर्ड सर्च करेगा जितने भी होंगे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये सर्च कर रहा है, ये भी एक लिस्ट बना देगा कितने कीवर्ड हुए हैं। दोस्तों देख सकते हो कि फैशन का मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है, वर्ड फैशन लिखा है, तो उसमें उसने बता दिया कि ये जो कीवर्ड हैं लोग ये लिख के सर्च कर रहे हैं, ये जो जितने भी हैं। अगर तो आप चाहते हो कि इनको सेव करना है तो आपने जस्ट क्या करना है, इसको एज अ TXT फाइल सेव करना है, सेव टू CSV करना है, आप इसको सेव कर सकते हैं और ये तमाम का तमाम फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर ये पसंद नहीं आया तो इसको यहाँ से क्लियर करें, क्लियर का बटन है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी दोबारा से मैं कुछ और लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेल्थ या फिर कैंसर का लिखता हूँ, कैंसर क्या इसका क्या होता है, कैंसर। अभी मैं यहाँ पे कैंसर के हेल्थ के हवाले से ये कैंसर लिखा तो अभी इसके बारे में क्या आता है, कौन कौन से वर्ड लोग सर्च करते हैं सर्च इंजन में, तो उसके लिए बायोडाटा यहाँ पे कैंसर 50 एसेंशियल थिंग्स टू डू। अगर तो आपका आर्टिकल या वीडियो कैंसर के हवाले से है तो उसके हिसाब से आप अपने यहाँ से देखें कितने कीवर्ड हैं, इनको तमाम को तमाम इसने सर्च किया है 224 किए हैं, 224। ये आप कीवर्ड लिस्ट देख सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा, किस हवाले से, किस तरह का, उस तरह के फिर आप कीवर्ड जो है यूज़ करेंगे अपनी वीडियो में तो वो या वीडियो या आर्टिकल में तो फिर हाई रैंकिंग उसकी होगी। तो इसके लिए दोस्तों ये एक बेहतरीन टूल है केडी निश फाइंडर में, ये कीवर्ड जो फाइंडर है इसकी ऑप्शन है, आप यहाँ से कर सकते हो। और दूसरा रुख इसका मैं बता सकता हूँ, अगर यही मैंने कीवर्ड जो सर्च किए हैं इसको मैं सेंड टू निश फाइंडर करूँगा तो फिर ये मुझे अमेजोन में ले जाएगा, अमेजोन से ये फिर इसको करवाएगा, वो क्या करेंगे, इसको मैं सेंड टू ऑल कीवर्ड जो है इसको मैं सेंड कर सकता हूँ निश फाइंडर में। फिलहाल तो मैं एक करता हूँ कैंसर आइटम, यहाँ पे सारे ये लेके जाएगा, चलो सारे लेके जाएगा, सेंड टू
निश फाइंडर में ले आया। यहाँ से क्लीन का बटन है, ये दूसरा रुख भी इसका बता देता हूँ, क्लीन का बटन है। तो जितनी भी इसके साथ कीवर्ड के साथ ब्रैकेट वगैरह और डॉट वगैरह वो तमाम के तमाम इसने ख़त्म कर दिए हैं। और यहाँ इसको मैं डन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते 224 है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इन कीवर्ड से अमेजोन के हवाले से भी साथ में डिस्कस कर देता हूँ कि अमेजोन के हवाले से ये फिर बताएगा कि ये अमेजोन पे इन कीवर्ड का क्या रैंक है। अभी यहाँ से यहाँ लिखा है एक्सट्रैक्ट रैंक, रैंक को एक्सट्रैक्ट करेगा कौन से अच्छे रैंक वाले हैं उनको सर्च करेगा। अभी मैंने गो पे क्लिक किया, वो 224 कीवर्ड उधर से मैंने कीवर्ड फाइंडर से इधर ट्रांसफर किया है निश फाइंडर में। इसमें ये ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं टॉप पे निश फाइंडर, या कीवर्ड मैंने सर्च किया और यहाँ से निश फाइंडर में ले आया। तो अभी ये सर्च करता है, अभी बता देगा। सिर्फ एक मैं लाइन चेक करूँगा, एक दो सिर्फ। अभी ये चेक कर रहा है कि इस पे क्या रैंक है, उन कीवर्ड का इस्तेमाल या किंडल निश फाइंडर में क्या उसका रैंक है, ई बुक जो होती हैं। अभी मैं इसको कर देता हूँ, एक दो और आ जाए तो फिर आपको चेक करवा देता हूँ। मकसद तो यह है कि कीवर्ड्स फाइंडर टूल है, ये एक बेहतरीन टूल है। कीवर्ड्स भी आप फाइंड कर सकते हैं निश फाइंडर अमेजोन, बेसिकली ये अमेजोन के लिए बनाया गया है। अमेजोन के जो लोग एफिलिएशन काम करना चाहते हैं उस पर, तो वो ये टूल इस्तेमाल करके एक बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। एक अगर एफिलिएशन लिंक जो सेलिंग करते हैं वो यहाँ से उसका जायजा लेके फिर उसको वो चीज़ें अपने इंतखाब करेंगे, तो वो एक बेहतरीन अर्निंग का जरिया आप बना लेंगे। जो लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन एफिलिएशन लिंक कमीशन के थ्रू कमीशन कमाएं, तो वो फिर ये टूल यूज़ करेंगे। तो कीवर्ड फाइंडर का इसमें ऑप्शन थी, तो वो उसके बारे में बताना था कि सिर्फ इस वजह मैं भी इसको अबॉर्ड करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं उन कीवर्ड्स का इसमें रैंक ये है कि बीटिंग कैंसर पेज रैंक इसका जो अमेजोन पे है वो 79 है, हार्ड कवर 10 है, किंडल आइटम एडिशन 3 है। और यहाँ से इसकी सारी मालूमात आप देख सकते हैं, बुक रैंक इतना, ये फलां फलां है, ठीक है। इसी तरह तमाम कीवर्ड्स का इसने रैंक बताना था, बहुत टाइम लगना था। तो दोस्तों मकसद यह था, इसके बाद आप इसको एफिलिएशन यूज़ करना चाहते हैं एफिलिएशन यूज़ करें। बेसिकली मैंने आपको कीवर्ड्स के हवाले से इसका तारुफ करवाया और साथ में आपको ये भी बता दी कि ये केडी किंडल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अमेजोन के लिए इस्तेमाल होता है। जो ऑनलाइन बुक्स होती हैं, ई बुक होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। लोग परचेज करते हैं, अगर एफिलिएशन काम करना चाहते हैं तो आप पार्टनर के तौर पर यानी कमीशन कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप फिर इसको केडी निश फाइंडर यूज़ करके फिर आप ये काम भी कर सकते हैं। टॉप टैग फाइंडर है, टैग फाइंडर भी कर सकते हो। यहाँ से आपने जस्ट आपने ये सीडी बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग आप सर्च करेंगे तो 20 का रिजल्ट आपको देगा। यहाँ से आप इसका सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। वो मैंने सिर्फ आपको जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ से टैग फाइंडर कर सकते हैं। ये अमेजोन से टैग फाइंडर, अमेजोन से जितनी भी आइटम होंगी उनका टैग फाइंडर कर रहा है, ठीक है। इनको यहाँ से निश फाइंडर में लेके जाना है, इनका रैंक का तजिया निश फाइंडर में जाकर इसका भी होगा। आप कीवर्ड फाइंड करें या टैग फाइंड करें या टॉप टैग भी, आप टॉप टैग का भी ऑप्शन भी सिर्फ अमेजोन से ये करेगा, तो जितने टॉप टैग लगे अमेजोन से ये तकरीबन हज़ार जो टैग हैं वो आपको शो करवाएगा टॉप टैग, फिर आप उससे तजिया कर सकते हैं। इन तमाम को आप अभी तमाम को सेंड करता हूँ किसमें, अगर आप फाइल सेव करना चाहते हो तो यहाँ से फाइल सेव भी कर सकते हो, ठीक है। ये फाइल सेव की ऑप्शन दे रहा है, अदरवाइज आप यहाँ से सेंड टू कर सकते हैं। ये इसको क्लीन इसलिए करना होता है कि डॉट वगैरह जो कीवर्ड सर्च करते हैं उसमें आते हैं, और इसको डन करना है। अभी यह 318 हो गए हैं, तो यहाँ से आप फिर इसको कर सकते हैं यहाँ पे गो कर सकते हैं, ये गो का बटन है। तो दोस्तों बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, कीवर्ड कोई भी हो सकता है, कोई भी आप कर सकते हो, कंप्यूटर के हवाले से भी हो सकता है, कंप्यूटर के हवाले से भी करके दिखा देता हूँ, ज़रूरी नहीं ये कीवर्ड सब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप कंप्यूटर रैम वगैरह जो भी ये चीज़ें ये सब के सब ये कीवर्ड फाइंडर जो केडी निश फाइंडर का है ये सर्च करवाता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई है, और आपको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इल्म हासिल कर सकें और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सॉफ्टवेयर के बारे में बाखबर रहें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अभी कि ये सर्च कर रहा है, इसी तरह आप ये कंप्यूटर के हवाले से जितने भी इसने कीवर्ड है
तकरीबन अभी कर रहा है सर्च, 2-306 कीवर्ड इसने सर्च कर दिए केडी किंडल किंडल कीवर्ड फाइंडर ने, केडी निश फाइंडर ने। ये सॉफ्टवेयर का नेम है केडी निश फाइंडर। तो इसका कीवर्ड जो टूल है वो उसने इतने कीवर्ड सर्च कर दिए हैं। सिर्फ मैंने कंप्यूटर लिखा है, उसने जो जितने कंप्यूटर वायरस हर किस्म के यानी कि इसने सर्च कर दिए कीवर्ड। आप इसने इनमें से कीवर्ड सर्च करने जो लेटेस्ट मौजूदा आते हैं इनको आप अपने आर्टिकल या वीडियो के हवाले से आप उनके साथ अटैच कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो के लिए बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और किसी गलती या कोई ऐसी कोई मिस्टेक होती है जो आपको मालूम नहीं होती या पता नहीं चलता आपको ये काम कैसे करना है तो आप मेरी वीडियो के नीचे उसका कमेंट दे सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने का। शुक्रिया दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।